बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हंसता पस्ता खुश और आबाद रखे, और जो कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है पोटैटो कटलस, जो बहुत ही यमी और बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली है। जिसके लिए हमें चाहिए बॉयल पोटैटोस, हमें चाहिए हरा धनिया, और ये चाहिए हरी प्याज, जिसका हमने हरा वाला पार्ट भी लिया है और वाइट वाला भी। ये चिकन चाहिए हमें उबली हुई, जिसको हमने लहसुन और नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उबाल लिया था। यहाँ हमें चाहिए कुटी हुई काली मिर्च, ज़ीरा और नमक। अब हमने एक मिक्सिंग बाउल में पोटैटो शामिल करने, साथ ही ये चिकन शामिल करनी है जिसे हमने रेशा कर लिया था उबाल के, साथ ही ये तीनों स्पाइसेस काली मिर्चें, नमक और भुना कुटा ज़ीरा। काली मिर्चें भी हमने कूटी हुई हैं, पीसी हुई नहीं है, फ्रेश हैं ये बिल्कुल। इसमें ये हरा धनिया, स्प्रिंग अनियन और ग्रीन चिलीज, ये सब शामिल कर देंगे। और इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसे आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर इसके कबाब बना लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसमें रेड चिली भी नहीं जा रही है, इसे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये हमारे कबाब बन गए हैं सारे। अब हमने इसको अंडे में डिप करके फ्राई करना है बस फटाफट से। यहाँ पे हम एक अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। और उसमें हम कबाब डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करने हैं इसको, बस कम ही ऑयल में हमने इसको शैलो फ्राई करने हैं। यमी सी झटपट बनने वाली ये डिश है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली रेसिपी जल्दी आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।